नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज से क्रिकेट का महाकुंभ वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है, जिसका हर एक क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार था। आज पहला मैच मेजबान टीम इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। हालांकि भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप का सफर आज से शुरू होगा, लेकिन उनको अपना पहला मैच 5 जून से खेलना है। लेकिन इन्हीं सब के बीच भारत के हर एक देशवासी के लिए गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का मोम का पुतला तैयार किया गया, जिसका अनावरण लंदन के मैडम तुसाद में किया गया है। विश्व के नंबर एक के खिलाड़ी विराट कोहली का मोम का पुतला 30 मई से लेकर वर्ल्ड कप खत्म होने तक यानी 15 जुलाई तक मैडम तुसाद में प्रदर्शित किया जाएगा। इन सबके अलावा मैडम तुसाद लंदन के महाप्रबंधक स्टीव डेविस ने कहा, अगले कुछ सप्ताह तक देश भर में क्रिकेट का बुखार हावी रहेगा, इसलिए हमारे पड़ोसी लॉर्ड्स की मदद से विराट कोहली के पुतले का अनावरण करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि क्रिकेट प्रशंसक न केवल अपने नायक को पिच पर खेलते हुए देखकर उसका लुत्फ उठाएंगे, बल्कि यहाँ मैडम तुसाद में उनके साथ क्रीज भी संभालेंगे। मैडम तुसाद में विराट कोहली का ये पुतला भारतीय टीम की जर्सी में है। विराट कोहली का ये मोम का पुतला पूरी किट पहने दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पुतले को जो जूते और ग्लव्स पहनाए गए हैं वो खुद विराट कोहली ने दिए थे। 30 मई के बाद विराट कोहली का मोम का पुतला मैडम तुसाद में उसेन बोल्ट, सर मोहम्मद फराह और साथी भारतीय क्रिकेटर स्टार सचिन तेंदुलकर के साथ विराजमान रहेगा। भारत के लिए अभ्यास मैचों में परिणाम मिश्रित रहे। भारत को अपने पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली, जबकि दूसरे मैच में उसने बांग्लादेश को 95 रनों से हराया। विराट की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के रूप में होती है और टीम को उम्मीद काफी हद तक उन पर निर्भर करेगी। विराट कोहली के बने मोम के पुतले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।